पुलिस वालों को लेकर लोग बुरा भला कहते हैं, फिटनेस को लेकर मोटा गेंडा ठुल्ला कहते हैं, करप्शन को लेकर जमकर गालियां देते हैं। आज हम आपको तस्वीर के दूसरे पहलू से परिचय करवाते हैं। पुलिस वाला प्रतिदिन कम से कम 12 घंटे की ड्यूटी करता है, ना कोई रविवार ना कोई छुट्टी, और जिस दिन राष्ट्रीय छुट्टी होती है उस दिन वो सुबह 4 बजे जागकर अपनी वर्दी दुरुस्त करता है, जूता बेल्ट चमकाता है और जनता के सामने आदर्श बनने की कोशिश करता है। भाई साहब, इनकी यूनिफॉर्म उतार कर देख लेना, 10 से 4 की बनियान पट्टी होगी, मोजे पट्टे होंगे। कोई भी सरकारी विभाग हो देश में, रविवार 52 दिन, दूसरा शनिवार 12 दिन, सरकारी छुट्टियां 36 दिन, कुल मिलाकर एक साल में 100 छुट्टियां मनाता है, सेलिब्रेट करता है। भाई साहब, पुलिस वाला भी एक सरकारी कर्मचारी ही है, सैलरी भी किसी सरकारी कर्मचारी जितनी ही मिलती है, फिर इन 100 दिनों में से एक भी दिन सिपाही को क्यों नहीं मिलता? विभिन्न श्रम एक्ट और फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार किसी भी व्यक्ति से पूरे सप्ताह में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवाया जा सकता और एक दिन में अधिकतम 9 घंटे। भाई साहब, एक पुलिस वाला प्रतिदिन कम से कम 12 घंटे की ड्यूटी करता है और सप्ताह में 84 घंटे। बिहाड़ी मजदूरों से भी बुरी हालत है इनकी। अगर कोई दंगा फसाद हो जाए तो ड्यूटी कब खत्म होगी इसका कोई फिक्स नहीं होता। इन पुलिस वालों के भी बच्चे होते हैं, माँ होती है, पत्नी, परिवार सब होता है। अब जरा सोचिए, एक सिपाही को अपनी बेटी की फीस भरनी है, उसके दिन की ड्यूटी है, कब भरेगा? पूरी जिंदगी निकल जाती है, कोई भी त्यौहार घर पर नहीं मना पाता, क्योंकि अगर ये सड़क पर ना खड़ा हो तो कोई भी त्यौहार बिना फसाद के पूरा ही नहीं होगा। पूरी जिंदगी निकल जाती है ये ख्वाहिश लिए कि कभी टीचर्स पेरेंट्स की मीटिंग में जा सके। पूरे देश में जाकर देखिए, 24% से भी कम सरकारी आवास मिला होता है, और ये आवास भी सिर्फ एक कमरे का ही होता है। एक बार सोच कर देखिए, कैसे रहते होंगे अपने माता पिता बच्चों को लेकर। घरों की हालत इतनी खराब होती है, कोई पता नहीं कब छत गिर जाए, ना साफ पानी की व्यवस्था, ना शौचालय की। और जो बैरक में रहते हैं उनकी स्थिति तो और भी ज्यादा खराब होती है। पुलिस लाइन में सुबह 4 बजे से शौचालय के बाहर लाइन लगती है कि टाइम से फारिग हो जाए। शेविंग भी करनी होती है, लाइन में लगकर नहाना भी है, और फिर लाइन में लगकर मेस में खाना भी खाना है, क्योंकि ड्यूटी सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। वहां अगर 5 मिनट भी लेट हो गए तो गैर हाजिरी लग जाएगी। पूरे दिन जनता की उपेक्षा, अधिकारी और पावरफुल लोगों की डांट, बात बात पर वर्दी उतारने की धमकी के तनाव के बाद जब रात में बैरक पहुंचता है तो एक पुलिस वाला के जहन में सिर्फ एक ही बात होती है, सुबह 4 बजे फिर से जागना है, टॉयलेट की लाइन में लगना है। 45 के ऊपर शायद ही कोई पुलिस वाला स्वस्थ रहता होगा। 40 पार करते करते अनेकों बीमारियां इनको घेर लेती है, लेकिन बच्चों को पालना है, मजबूरी है, जिंदगी है तो काटना है, कट ही जाएगी, शायद इसी को जिंदगी कहते हैं। तो दोस्तों, ये है उन 80% पुलिस वालों की कहानी जो किसी बड़े पद पर आसीन नहीं है, किसी बड़ी कमाई वाली पोस्ट पर पोस्टेड नहीं है, जिनका किसी नेता मंत्री से जेक नहीं है। ये वो मेजोरिटी 80% पुलिस वाले हैं। 20% रिश्वत और आला अफसरों की वजह से इन 80% लगभग बिलो पॉवर्टी लाइन की जिंदगी जीने वाले पुलिस वालों को भी समाज बुरी नजर से ही देखता है। इस समाज उससे निवेदन है कि इन रक्षक के साथ ऐसा व्यवहार कर कि ये घूस छोड़कर कर्तव्य की तरफ बढ़े। समाज तुझे बस इन रक्षक को आदर देना है, सम्मान देना है, फिर कभी इन छोटे पुलिस वालों को ठुल्ला मत बोलना। दोस्तों, ये अगर हमारी तरफ आ जाए तो उन 20% पुलिस वालों का रोग वहां घुसड़ जाएगा जहां इनकी लाइन सुबह सुबह लगती है। शेयर करो व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, हर जगह, और सम्मान दो इन पुलिस वालों को जैसा कि एक फौजी को देते हो। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।